मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को पाने के लिए पूरी दमखम से मैदान में उतर आई है। इसके लिए कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने चुनाव के लिए अपनी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, ताकि मध्य प्रदेश में खोई हुई सत्ता को वापस हासिल किया जा सके। इसके लिए राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर है और जनता से कांग्रेस की सरकार बनाने की भी अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी धार के पीजी कॉलेज ग्राउंड पर पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, बालमुकुंद सिंह गौतम व कांग्रेस के कई नेता मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश का चौकीदार चोर है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश का सीएम मात्र 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ कर देगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में किसानों पर हुए अत्याचार पर भी आरोप लगाया। साथ ही सभा में पहुंचने वाली हजारों जनता का भी शुक्रिया अदा किया। आज जो राहुल जी का कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही सफल आयोजन हुआ और इस आयोजन में भूमिका हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रही है। शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जितने भी हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, सबकी बड़ी सराहनीय योगदान रहा और उसी से सफल प्रोग्राम हमारा सफल हो चुका है। और इसमें पत्रकार बंधुओं का, पुलिस प्रशासन का, सभी का बड़ा सहयोग रहा, उसका परिणाम रहा कि हमारा आयोजन बड़ा सफल रहा। टिकट को लेकर क्या कहेंगे? टिकट के बारे में कल 2 बजे के आसपास वापस लिस्ट आ जाएगी, जो मुझे खबर है। बाकी इस वक्त मेरी खबर ये है कि कल 2 बजे के आसपास लिस्ट आ जाएगी। क्या इस पर बालमुकुंद सिंह गौतम की मोहर लगेगी? देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा मेरी पार्टी पे है।